बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट SNGD की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से जो GK वाला पोर्शन अब आपने स्टार्ट किया है, उसका लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। तो पहले 3 लेक्चर अगर आपने नहीं सुने, नहीं देखे, तो आप वो पहले देख लें इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इंशाल्लाह मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, जो आपके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। इसके अलावा जो आपका जियोग्राफी का पार्ट हो चुका है, एवरीडे साइंस का पार्ट हो चुका है, इंग्लिश का पार्ट हो चुका है, जो जो सब्जेक्ट्स हमने पहले कर लिए हुए हैं, उन सब्जेक्ट्स के भी सारे जो है ना लेक्चर्स के लिंक्स मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, वो भी तरतीब के साथ हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी उस वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। तो GK वाला पोर्शन आज हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है। तो आपको पता है कि हमने बिग बैंग से स्टार्ट करके इसको अब सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो सोलर सिस्टम का आज लेक्चर नंबर 4 मारा होगा। तो आपको थोड़ा सा पीछे मैं आपको लेकर जाऊँगा, जो सोलर सिस्टम हमने कल स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो प्लैनेट्स हैं, 8 आपके प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स में आपके पास 2 किस्म की इसमें जो ना बेल्ट्स आती हैं। एक आपके जी आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसको कॉमेट बेल्ट भी कहते हैं, और एक आपकी काइपर बेल्ट, काइपर बेल्ट, ठीक है जी। तो ये काइपर बेल्ट, ये 2 बेल्ट्स हैं, इनके वाले से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज इंशाल्लाह ताला हम सारा इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ कल हमने ये सारे प्लैनेट्स के वाले से मैंने एम वैम जे सन वगैरह, कौन सा आपका प्लैनेट सबसे करीब है, कब से दूर कौन सा है, और जो कल वाले नोट्स थे उनमें मैं कुछ चीज़ें और मैंने इसमें ऐड की हैं। मैंने जो ना तो आपके जो पास पेपर्स कल देखे थे, तो उसमें एक दो चीज़ें और भी थी जो यहाँ पे नोट्सों में मौजूद नहीं थी, वो मैंने वो भी ऐड कर दी, इनको आप देख लीजिएगा। और इसमें आपका जो मून थे ना, मून या सैटेलाइट्स वगैरह, वो नहीं हमने किए थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने प्लैनेट्स के वाले से, उससे पहले हमने स्टार को, सन को, वो सारी हमने फ्यूजन रिएक्शन ये वेव्स वगैरह हमने क्लियर कर लिया था। तो आज हमने जो करना है जी प्लैनेट्स के बाद, अब आपकी बारी आ गई है जी, ये आपके जो है ना मून के वाले से, ठीक है जी। जो आपका चांद है, सैटेलाइट्स है, जो आपके पास सैटेलाइट्स हैं जी, सैटेलाइट्स का ताल्लुक फिर अब स्पेस से होता है। यहाँ पे आपको पता है कि इसमें आपके पास कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, कुछ आपके पास नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। जब आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करते हैं, तो साथ ही आपके माइंड में एक बात आती है, स्पेस ट्रैवलर की बात आती है, कि स्पेस में कौन कौन बंदे जनाब ट्रैवल कर चुके हैं सबसे पहले, ठीक है जी। तो स्पेस ट्रैवलर के वाले से ये मैंने एक जिमनी यहाँ पर लिख दिया था, जिसके वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट मैन ट्रैवल्ड इन स्पेस, सबसे पहले स्पेस पर किस बंदे ने ट्रैवल किया था, यूरी गागरिन ने किया था। फर्स्ट वुमेन ट्रैवल्ड इन स्पेस, वो जो आपके पास ना सविता लेना थी। फर्स्ट मैन वॉकड इन द स्पेस, अब ट्रैवल्ड और वॉक में फर्क है, अलेक्सी लिनोवो, ठीक है जी। और उसके फर्स्ट वुमेन वॉकड इन स्पेस, अब अगर वैलेंटाइन ट्रेशकोवा, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट अमेरिकन वुमेन जो थी आपके पास सैली राइड थी, और फर्स्ट चाइनीज वुमेन जो ना वोंग योपिंग थी, और फर्स्ट अरब वुमेन जो थी जो सऊदी अरब थी, वो रियाना बरनावी, ठीक है जी। तो ये स्पेस ट्रैवलर्स के वाले से मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ ये मैंने क्वेश्चन देखे थे, इनको आपने जस्ट रट्टा ही लगाना है, देख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं सैटेलाइट्स की, जो ना नेचुरल या आपके पास जो है ना, या आपके पास ये आपके जो है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, तो यहाँ पे एक जिमनी क्वेश्चन बनता है, वो मैंने आपको पता है, जो भी जिमनी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो साथ में आपके बॉक्स में लिख देता हूँ। तो ये आपके पास यह एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन बनता है। एस्केप वेलोसिटी क्या है, जब आप या फॉर एग्जाम्पल आपके पास ज़मीन है ना, ज़मीन का गिर्द इसका ग्रेविटेशनल जो आपके पास सर्कल है ना, या इस ग्रेविटेशनल सर्कल के अंदर जो भी चीज़ रहेगी, वो ज़मीन इसको अपनी तरफ पुल करेगी, यहीं पर ये रिवॉल्व करती रहेगी। लेकिन अगर आप कुछ किसी सैटेलाइट्स को इतनी जनाब ज़्यादा स्पीड के साथ ज़मीन से ऊपर की तरफ भेजते हैं कि ये आपकी ज़मीन का जो मदार है, ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल सर्कल है, इससे ही बाहर निकल जाए, तो उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, मीन के ज़मीन के सर्कल को ही एस्केप कर जाए, वो बाहर निकल जाए। तो एस्केप वेलोसिटी के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, द मिनिमम स्पीड नीडेड टू ब्रेक द फ्री फ्रॉम अ सेलेस्टियल बॉडीज ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो भी सेलेस्टियल बॉडी अपनी तरफ खींचती है, तो जब उसको ख़त्म करके उसके जनाब ग्राफ से बाहर निकलने के लिए जो जो आपको वेलोसिटी चाहिए होती है, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर किसी चीज़ को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ भेजेंगे, तो वो वापस चीज़ नहीं आएगी, वो ज़मीन के मदार से बाहर निकल जाएगी। एग्जाम्पल जो ना आपके पास है ना, वेजर वन और न्यू होरिजन, ये 2 आपके पास सेटेलाइट्स हैं, जो जिनको जनाब एस्केप वेलोसिटी से भी इन जो ज़्यादा फेंक दिया गया था, ये ज़मीन के मदार से बाहर निकल गए थे, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जी आपके पास जो है ना
मून की, मून जो ना, मून जो आपके पास है, मैंने आपको कल बताया था कि आपके जो प्लैनेट्स है ना, हर प्लैनेट्स के अंदर कुछ ना कुछ मून्स होते हैं, तो ये आपने याद करना था प्लैनेट्स के वाले से। 0012, ये मैंने आपको बताया था कि मरकरी का कोई मून नहीं होता, वीनस का कोई मून नहीं होता, अर्थ का एक ही मून है हमारी अर्थ का, और मार्स के ऊपर दो मून्स होते हैं, दो मून। फिर आपके पास 80 आ गए जुपिटर के, फिर 83 आपके पास सैटर्न के आ गए, नेपच्यून के 19 आ गए। तो यहाँ से आपके मून्स के वाले से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनाब सबसे ज़्यादा मून किसके हैं, वो आपके पास सैटर्न के हैं। यहाँ से पूछेगा जनाब वीनस के ऊपर कितने मून्स होते हैं जो, मार्स के ऊपर कितने होते हैं, ये अपने मून्स के इनकी तादाद के वाले से क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले करवा दिए थे कल के लेक्चर में। आज आपने याद करना है मून्स के वाले से कि मून्स की टाइप्स कितनी होती हैं, जो आपके सैटेलाइट्स हैं। मून को वैसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है जी। इसके दो टाइप्स हैं, एक आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं और एक आपके पास नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। जो नेचुरल सैटेलाइट्स उसको हम मून कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आपके कौन से होते हैं। तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के वाले से। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आपके तीन तरह के होते हैं, लियो, मियो और जियो। लियो होता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, ये आपके होते हैं फॉर वेदर अपडेट्स, जो आपके मौसमी सियारे होते हैं ना जी, जो आपके मौसम की अपडेट्स के हवाले से जो बना जो भेजे जाते हैं वो आपके पास होते हैं जी। लियो उनको बोलते हैं, LEO लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, और इनकी हाइट होती है 200 से 500 किलोमीटर की रेंज में ये आपके पास होते हैं, ठीक है जी। तो इनकी आपने रेंज याद करनी है और इनकी एब्रीवेशन खास तौर पर याद करनी है। और ये जो आपके पास लियो है ये किस लिए होती है, वेदर अपडेट्स के लिए होते हैं। दूसरे होता है मियो, MEOM मिडल अर्थ ऑर्बिट, ये 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज में इनके जनाब होते हैं, इस इतनी हाइट पर होते हैं ये जो ना आपके पास जो GPS ग्लोबल पोजीशन एंड सर्वे जो ना सिस्टम के वाले या कम्युनिकेशन के वाले से जो ना ये चीज़ें इनके लिए यूज़ होते हैं। फिर आपके पास जियो, जियो को आपने याद करना है, जियो जैसे टीवी चैनल होता है ना जियो का, आपको पता है। तो जियो जो ना जो जितनी भी आपके पास जो ना ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे जियो सैटेलाइट्स की वजह से, जियो स्टेशनरी आप जो ना जियो स्टेशनरी अर्थ जो ना अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट उसको हम जियो बोलते हैं, ठीक है जी। तो जियो टीवी चैनल से भी इसको आप याद कर सकते हैं। और इनकी हाइट 40,000 होती है, 40,000 किलोमीटर की हाइट पे ये होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट की, नेचुरल सैटेलाइट हमारा जो चांद होते हैं उनको हम नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे हम नेचुरल सैटेलाइट मून की बात करते हैं तो साथ ही आपके पास जो ना ये दो तरह के कैलेंडर की बात आ जाती है, एक आपके पास सोलर कैलेंडर होता है, एक आपके पास लूनर कैलेंडर होता है। जो आपके सोलर कैलेंडर होता है ये जो आपके पास, और एक लूनर कैलेंडर जो आपके पास चांद की जो ना चांद के हिसाब से जो आपके जो महीने होते हैं ना, चांद को देख के जो आपका महीना शुरू होता है उसको हम कहते हैं कैलेंडर, लूनर कैलेंडर कहते हैं, लूनर कैलेंडर, ठीक है जी। अब सोलर कैलेंडर, ये भी आपके जिमनी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। टाइप्स ऑफ कैलेंडर दो आपने याद करनी है, सोलर कैलेंडर द जॉर्जियन कैलेंडर फ्रॉम क्रिस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो शुरू हुआ जिसको हम ईसवी भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं और क्रिस्ट से शुरू हुआ था, ठीक है। BC इसको कहते हैं, BC बिफोर क्रिस्ट, ठीक है जी। और इसको उसके बाद आपके पास आती लेंथ ऑफ ईयर जो आपका होता है जी, जो आपके पास सोलर कैलेंडर का जो लेंथ होती है ये लाजमी आपने याद करें, 365.25 डेज। आमतौर पर बच्चे इसको 365 डेज याद करते हैं, जो कि गलत होता है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत होता है। 365.25 दिन, मीन के 365 और उसके ऊपर 65 जो है ना उसके ऊपर जो ना आपके पास 6 घंटे और होते हैं, 6 घंटे और यानी कि चौथा हिस्सा जो 0.25 जो वो भी होता है, ठीक है। अब देखें हर साल आपके पास 365 दिन होते हैं ना, तो आपके पास 25.25 से 2 साल में 0.50 हो गया, 3 साल में 0.75 हो गया, 4 साल में 1 दिन का पूरे का फर्क पड़ जाता है। तो 4 साल के बाद आपका जो आपका जो आता है जो साल आता है वो 366 दिन का बन जाता है, जो 366 उसको हम कहते हैं लीप ईयर। उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, लीप ईयर, ठीक है। 4 साल के बाद आपका जो साल होता है जो ल्यूनर जो आपका जो सोलर कैलेंडर का उसको हम कहते हैं जी 366 दिन का। पहले आपके पास जो ना तीन आपके पास 365.25 से उनको हम 365 ही याद कर लेते हैं उसको राउंड ऑफ, और जो आपका चौथा साल होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। अब लीप ईयर का जो फ़र्क पड़ता है वो आपके पास है जी, जो आपका जो आम जो दूसरे साल उसमें आपके पास जो फरवरी 28 डेज का होता है और लीप ईयर में फरवरी आपका 29 दिन का हो जाता है, तो फिर टोटल आपके 366 दिन बन जाते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन ये बन सकते हैं। उसके बाद आपके पास है जी लूनर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर आपके पास जिसको मैं हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं, इस्लामी कैलेंडर भी कहते हैं। ये जरा हिजरत से स्टार्ट हुआ था, हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इसको स्टार्ट किया था, जब भी क्वेश्चन अभी रिसेंट पूछा गया था, ठीक है जी। हिजरी कैलेंडर किसके दौर में, ये फारूकी में, ये उम्र फ़ारूक है, ठीक है जी। इसमें जो लेंथ ऑफ मंथ होता है ना जी, मंथ का जो लेंथ वो 29.53, ठीक है जी। ये कभी आपके पास 29 का महीना होगा, कभी 30 का महीना होगा, ठीक है जी। तो ये आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने याद करना है। जो आपके पास जो ना लूनर कैलेंडर के जो मंथ 12 है ना जो
इस्लामी महीने के 12 जो महीने हैं ये लाजमी आपने याद करना है। इस्लामी साल के महीने मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जुमादी अव्वल, जुमादी सानी। अब यहाँ पे जो रजब, शुबान, रमज़ान, शवाल, ये जो चार महीने हैं ना ये लाजमी याद करना है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है बार बार कि बताएं जी सातवां महीना कौन सा, आठवां महीना कौन सा, रमज़ान से पहले कौन सा, रमज़ान से बाद वाला महीना कौन सा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें सीधा सीधा। ये मुहर्रम सफर तो पहले सबको याद होते हैं, ठीक है जी, मुहर्रम सफर, फिर रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जुमादी अव्वल, जुमादी सवन, ये याद कर लें। रबीउल अव्वल पहले आता है, जुमादी अव्वल बाद में आता है, ठीक है जी। रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जुमादी अव्वल, जुमादी सानी, छः महीने तो यहाँ पर क्लियर हो गए। फिर ये आप याद कर लें एस आर, एस आर, एस आर, एस आर, ठीक है जी, सर सरमीन के एस सर जो ना, सॉरी आर एस, आर एस, आर एस, सॉरी आर एस, आर एस, रजब, शुबान, रमज़ान, शवाल, आर एस और आर एस, ठीक है जी। तो ये आपने याद कर लेना है रजब, शुबान और रमज़ान, शवाल, यहाँ से आपको तरतीब याद कर सकते हो। आखिरी ज़िलक़ादर, ज़िलहज, आपको पता है बारहवां महीना ज़िलहज होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो जिसको जो साल होता है 354 दिन का होता है, ये आपने याद कर लेना है। ये जो आपके पास इस्लामी साल होता है 354 दिन का होता है, 354 दिन का, ठीक है। और हर साल जो है ना ये 10 से 12 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। ये आपको पता है ना, जब आप रोज़े रखते हैं, रमज़ान का महीना आता है, अगर इस दफ़ा रोज़े आपके 20 जून को स्टार्ट हुए हैं तो अगले साल आपके जो रोज़े 10 जून को स्टार्ट हो जाते हैं। मीन की जो आपके पास लूनर, जो आपके पास जो कैलेंडर है, इसका जो साल है हर साल 10 से 12 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। ये आप इसका इतना फ़र्क होता है लूनर और सोलर कैलेंडर का, हर साल आपस में 10 दिन का फ़र्क पड़ जाता है, 10 से 12 दिन का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास कैलेंडर के ज़िमनी क्वेश्चन थे। अब आपने याद करना है जी नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट जो आपका मून है, जो चांद है, इसके फेजेस के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है जी। आपके पास है जी न्यू मून, और जो ना आपके पास सबसे पहले दिन का चांद आपके पास न्यू मून, उसको हम कहते हैं क्रिसेंट, क्रिसेंट, पहले दिन के चांद को हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट, जो बिल्कुल तलवार की तरह होता है, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर आपके पास ऐसे ऐसे चांद बन जाता है, ठीक है जी। फिर आपको फुल मून, जो आपके पास फुल मून कहते हैं 14वीं रात के चांद को, तो 14th जो डेट होती है चांद की उसमें फुल मून होता है। उसके बाद फिर थर्ड क्वार्टर में आता है 7 दिन के बाद, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये भी आखिरी दिन में फिर ये क्रिसेंट बन जाता है, क्रिसेंट जो चांद तारे वाला होता है जैसे पाकिस्तानी पर्चियों में, ठीक है जी। तो आखिर में फिर ये क्रिसेंट बन जाता है और ये गायब हो जाता है, और अगले दिन फिर ये न्यू मून दोबारा बन जाता है। ये इसके बाद ऐसी क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि फुल मून कौन सी डेट को होता है, 14 को होता है, और क्रिसेंट कौन सा होता है, फर्स्ट डे का जो आपके पास चांद होता है वो आपके पास क्रिसेंट होता है, और आखिरी दिन का चांद भी आपके पास क्रिसेंट ही होता है। उसके बाद जो आपने याद करना है चांद के वाले से, आफ्टर 1000 मिलियन ईयर्स अगो कॉस्मिक एक्टिविटी मार्स लाइक ऑब्जेक्ट स्ट्राइक विद अर्थ एंड दिस प्रोसेस फॉर्म्ड मून। ये जो चांद है ये कैसे पैदा हुआ था आपकी ज़मीन का जनाब, ये जो कॉस्मिक एक्टिविटी हुई थी ज़मीन के साथ, जो कोई ऑब्जेक्ट जो ना मार्स की जो मरीज की तरह का सब ऑब्जेक्ट ज़मीन के साथ टकराया था और जनाब आपका चांद बन गया था। एंड स्टार्टेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, जो आपका चांद है ज़मीन के गिर्द इसने घूमना शुरू कर दिया ग्रेविटी की वजह से। ये क्वेश्चन का आपने क्लियर कर लिया। सो मून इज सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, ठीक है जी। जो आपके पास आपको पता है स्टार्स और ये जो है ये आपके प्लैनेट्स के गिर्द घूमते हैं, और प्लैनेट्स आपके जो हैं वो आपकी गैलेक्सीज के गिर्द घूमते हैं, सॉरी जो आपके प्लैनेट्स हैं स्टार के गिर्द घूमते हैं, और स्टार आपके जो गैलेक्सीज के गिर्द घूमते हैं, ठीक है जी। और गैलेक्सी जो है वो अपने ब्लैक होल के गिर्द घूमती है, कायनात में कोई भी चीज़ जो है ना वो साकन नहीं है। उसके बाद सो मून हैज डबल ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट एज अर्थ ऑन अर्थ एज कम्पेयर टू सन ड्यू टू लेस डिस्टेंस, जो आपकी चांद की ग्रेविटी है इसका असर जो ना सूरज की निस्बत दोगुना होता है। ये क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आमतौर पर बच्चे ये समझते हैं कि सूरज का साइज क्योंकि बड़ा है तो जो इसलिए उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी ज़मीन के ऊपर, हालांकि जो सूरज का डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, 150 मिलियन ईयर गैलेक्टिक ईयर दूर है ज़मीन से, लेकिन जो चांद है 356 लाख है, तो ये बिल्कुल करीब से है उसके मुकाबले में, इसलिए चांद की ग्रेविटी जो है ज़मीन के ऊपर ज़्यादा असर करती है सूरज के मुकाबले में, डबल असर करती है। फिर जो चांद की रोशनी है वो 1.28 सेकंड लेती है, इसको आमतौर पे 1.3 सेकंड भी याद कर लिया जाता है, क्यों 1.3 सेकंड ये टाइम लेती है चांद की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में। तो ये आपके मून के वाले से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते थे, क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं पेपर में, वो अब ये मैंने क्लियर कर दिया आपके। उसके बाद आपके पास है कॉमेट्स कॉपर बेल्ट या एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये जो आपके बेल्ट्स हैं ना ये मैंने आपको बताया था, इनके वजह से आपने क्वेश्चन याद करने हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपके पास कॉमेट या एस्ट्रॉइड बेल्ट है या आपके पास काइपर बेल्ट है, ठीक है जी। अब ये बेल्ट्स क्या हैं जी,
बैल साहब के पास ये डस्ट के पार्टिकल हैं, बड़े बड़े पार्टिकल हैं डस्ट के, और आपके पास जो है ना ये जो ये प्लैनेट्स में कन्वर्ट नहीं हो सके, ये वहीं पे मुअल्लक हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे है? मार्स और जुपिटर के दरमियान में है, और ये जो काइपर बेल्ट जो है ये नेपच्यून के बाद में है, नेपच्यून के बाद में आपके पास काइपर बेल्ट आती है, ठीक है जी। अब ये काइपर बेल्ट में आपके पास रॉकी ये ना बड़े बड़े रॉकी आपके पास जो ना ये जो बड़े साइज़ में और कुछ छोटे साइज़ में जो मुअल्लक ज़रात होते हैं, ठीक है जी, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स बेल्ट्स वगैरह। तो इनके वाले से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास ये मैंने लिखी थी, आपके पास हेडिंग जो थी आपके पास जो है ना जी ये है जी, ये किधर गया जी, ये आ गया कॉमेट्स काइपर बेल्ट या एस्ट्रॉइड ड्वार्फ प्लैनेट्स वगैरह। देर आर सम इररेगुलर शेप्स एंड मूवमेंट पार्टिकल्स लाइज बिटवीन जुपिटर एंड अर्थ कॉल्ड कॉमेट्स स्ट्रिप या एस्ट्रॉइड बेल्ट। कॉमेट स्ट्रिप पूछे या एस्ट्रॉइड बेल्ट पूछे तो ये आपके पास जुपिटर और अर्थ के दरमियान में है, चौथे और पांचवें के दरमियान में, ठीक है जी। देर इज आल्सो ए काइपर बेल्ट आफ्टर नेपच्यून इन विच प्लूटो लाइज, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो आपका नौवां प्लैनेट था जिसको 2006 के बाद प्लैनेट्स की लिस्ट में से खारिज कर दिया गया था, वो आपके पास प्लूटो है, प्लूटो कहाँ पे है जी, ये आपके पास काइपर बेल्ट के अंदर इसको शुमार किया गया है। नेपच्यून के बाद आपके पास एक काइपर बेल्ट आती है, ये भी दो बेल्ट आपने याद करनी है जो ना आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट और काइपर बेल्ट, ठीक है जी। इसको कॉमेट स्ट्रिप भी कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट को, ठीक है जी। एंड द स्मॉल टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड मीटराइड्स, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग स्टार, एंड देर आर मेड अप ऑफ गैसेज, ठीक है जी। पे क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो मीटराइड्स और एस्टेराइड्स के वाले से बनेगा, ठीक है जी। ये जो आपके पास छोटे पार्टिकल होते हैं जो गैसेज से बने होते हैं उसको मीटराइड्स कहते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको एस्टेराइड्स कहते हैं, और ये रॉक डस्ट के वगैरह से बने हुए होते हैं, ठीक है जी। जो मीटराइड्स हैं वो छोटे हैं, मीटर छोटा है, और एस्टेराइड्स बड़े हैं, एस्टेराइड्स बड़े हैं, ठीक है जी। यहाँ से आपके यही दो क्वेश्चन बनेंगे, एस्टेराइड किसे कहते हैं, मीटराइड्स कहाँ पे किसे कहते हैं, कॉपर बेल्ट कहाँ, काइपर बेल्ट कहाँ पे है, और आपके पास जो है ना जी कॉमेट स्ट्रिप कहाँ पे है, एस्टेराइड बेल्ट कहाँ पे है, कौन इनकी लोकेशन के वाले से पूछेगा, मीटराइड्स और एस्टेराइड्स के साइज के वाले से आपसे पूछ लेगा, इनकी फॉर्मेशन पूछ लेगा, मीटराइड्स किससे बने हैं, एस्ट्रॉइड किससे मिलकर बने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये काइपर बेल्ट आ गई, काइपर बेल्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है जी। आखिर में है नेपच्यून में प्लूटो यहीं पे पाई जाती है, ठीक है जी। ये आपने क्लियर कर लिया, एस्ट्रॉइड्स आपके क्लियर हो गए, ये मैंने आपको बता दिया है एस्ट्रॉइड्स आपके पास जो ये कौन कौन से हैं, और मीटराइड्स आपके पास कौन से हैं, ठीक है जी। उसके बाद ड्वार्फ प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स के वाले से क्वेश्चन वो बार बार पूछता है, वो है जी ड्वार्फ प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिटिंग द सन स्फेरिकल इन शेप बट हैव नॉट क्लियर्ड दियर ऑर्बिट्स ऑफ रेवोल्यूशन। ये जो आपके पास ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, एक तो आपके पास रेगुलर प्लैनेट्स हैं ना आठ आपके जो MVMJ सन से हमने याद किए हैं, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जिनका कोई ऑर्बिट किसी किस्म का कोई जो ना उनका जो क्लियर ऑर्बिट नहीं है, ठीक है जी। तो उनको हम क्या कहते हैं जी, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, मीन को उनको हमने मुकम्मल प्लैनेट्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया हुआ। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो है, प्लूटो, प्लूटो को 2006 में क्या किया गया था जनाब, प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल कर ड्वार्फ प्लैनेट्स की लिस्ट में उसको शामिल कर दिया गया था, ठीक है जी। समझ आ गया जी, ये आपके पास क्लियर हो गया जी। उसके बाद यही आपके पास सोलर सिस्टम था तकरीबन, ये कंप्लीट होगा कल से इंशाल्लाह ताला, अर्थ को स्टार्ट करेंगे, अर्थ को स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो आपके माइंड में हो तो मुझे बताइएगा, मैं नोट्सों में ऐड कर दूंगा, अदरवाइज मैं भी कल, क्योंकि आपको पता है जो भी हम लेक्चर देते हैं उसके बाद मैंने इसके पास्ट पेपर्स देख के वहाँ से क्वेश्चन निकालने होते हैं, तो पास्ट पेपर में अगर कोई क्वेश्चन मुझे नजर आया तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे ऊपर मुझे प्लैनेट्स में कुछ चीज़ें नजर आई थी तो मैंने आज ऐड कर दिया, तो कल भी इंशाल्लाह ताला अगर कुछ चीज़ मुझे नजर आई और तो मैं इस लेक्चर में आपकी ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।